रानीवाड़ा तहसील के जाकड़ी गांव में दो दिवसीय पशु उपचार मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, दो दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से पशुओं का उपचार किया जा रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर बीजी काग, वेटनरी सर्जन। यहाँ पे पशुओं का उपचार के लिए मेगा कैंप रखा गया है। उसमें छोटे भेड़ बकरे, गाय भैंस सबका ऑपरेशन से लेके प्राथमिक सारवार और गाइडलाइन पशुपालन के लिए सब भी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे अभी भी आप देख रहे हैं, ये सब बकरे लेके आए थे, उसका डीवर्मिंग और पशुपालन में कोई इन्फेक्शन है ऐसे, जैसे कि FMD का आउटब्रेक अभी हुआ था, तो उसके लिए हम यहाँ से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा मास में घर पे जो है तो वहाँ पे जाके भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे हम पूरे एनिमल का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका पूरी सारवार यहाँ से हम देते हैं। दो दिन के लिए हमने रखा है कैंप। हमारे साथ में गौतम भाई जैन है, उनसे बातचीत करेंगे। गौतम भाई, ये जो कैंप का आयोजन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, क्या इसमें कितने जो पशुपालक इस कैंप के अंदर अपने पशुओं को लेकर आ रहे हैं? हमारी पांजरा पोल सोराय के अंदर सुंदर परिवार संचालित अखंड जीव मैत्री धाम पांजरा पोल से 10 साल से चल रही है। हम हर साल कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंदर आज जाखड़ी के अंदर हम आए हैं दो दिन का। यहाँ के जैन अपने जैन धर्मनाथ युवक मंडल की ओर और जाखड़ी रतनपुर गौशाला और महेश भाई लाभार्थी परिवार महेश भाई की ओर से यहाँ पे किया गया है। ये दो दिन का कैंप है। हमारे साथ में दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी के डॉक्टर की टीम भी कल आएगी, वो भी जुड़ेगी। और इस तरह से हम एक मेगा कैंप का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं और हर तरह के पशु पक्षी एवं सभी जानवर के यहाँ पे सारवार की जाती है और ऑपरेशन के लिए यहाँ पे ऑपरेशन हो सके तो यहाँ पे, नहीं तो हमारी हॉस्पिटलाइज पांजरापुर में ऑपरेशन करते हैं। हमारे साथ में जाकड़ी गांव के भामाशाह पोपड़ जी जैन, उनसे बातचीत करेंगे। पोपड़ जी, बड़ा कैंप का आयोजन आपके द्वारा किया गया है जाकड़ी गांव के अंदर, लगातार आप नवाचार करते रहे हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अब इस पशुपालन के क्षेत्र में, क्या कहूंगे सर इस कैंप को लेकर? हमारे जाकड़ी गांव में आज हमारे धर्मनाथ भगवान की वर्षगांठ है, यानी ध्वजा है। ध्वजा के दिन हमारे बॉम्बे में जितने भी बसते हैं वो सारे यहाँ आते हैं। इसके संजोग के अंदर हमने बोला कुछ ऐसे काम किया जाए जिससे अनुदान हो जाए, तो ये अनुदान के रूप में हमने कैंप रखा है। और ये कैंप हमारे श्री धर्मनाथ जैन युग मंडल एवं जाकड़ी रतनपुर गौशाला के सहयोग से सोडाल गौशाला ने पूरा हमको सपोर्ट दिया है और ये कैंप हो रहा है। इस कैंप के पूरे लाभार्थी दरिया बहन लहरचंद जीवाजी, जो कि जाकड़ी के हैं, बॉम्बे में इनके सन महेश भाई हैं जिन्होंने ये पूरा लाभ लिया है, उनका लाभ से ये पूरा कैंप चल रहा है। और इस कैंप के लिए संचालित करने में सोडाल गौशाला ने हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया है और यहाँ के लोकल लोग भी साथ दे रहे हैं। पोपड़ जी, कितने दिन तक ये कैंप चलेगा और पशुपालकों से आप क्या अपील करोगे, इस रानीवाड़ा क्षेत्र के जो पशुपालक है उनसे क्या अपील करोगे इस कैंप को लेकर? मैं यही अनुरोध करता हूँ कि जितने भी आजू बाजू में पशु है, जानवर है, चाहे कोई भी पशु है, हर पशु का यह ट्रीटमेंट होगा और सभी पशुओं को यहाँ आना चाहिए। और कल ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर आएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को ये ला सकते हो वही अपना पुण्य है, आप आएंगे तो ही ट्रीटमेंट हो पाएगा। और जहाँ जरूरत है वहाँ हमें बुलाओ, हम हमारी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुंचेंगे और दो दिन पूरा कैंप चलाएंगे। तो ये थे पोपड़ जी जैन और जो कैंप के डॉक्टर थे वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर जाकड़ी गाँव में दो दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुँच रहे हैं और इस कैंप के अंदर जो पशु हैं उनका उपचार किया जा रहा है। सहयोगी रिज पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।